ये जो फूल आप देख रहे हैं ये कोई फूल का पौधा नहीं है, ये कोई फ्लावर प्लांट नहीं है। दरअसल ये हरा धनिया का पौधा है और इस पर अब फूल आ गए हैं और पीछे आप देख भी रहे होंगे छोटे छोटे से धनिये के बीज भी बनने लगे हैं। आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जो हरा धनिया है उसको हम सर्दियों में कैसे उगा सकते हैं आसानी से, और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में, और आज हम बताएंगे कि हरे धनिये को आप आसानी से कितनी सर्दी में भी कैसे उगा सकते हैं। हमने ये जो लगाया था लगभग सितंबर अक्टूबर के मंथ में इसको हमने ग्रो किया था और अब जो है ये ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब इस पर फूल आ गए, उसके बाद इस पर धनिया बन जाएगा तो फिर इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये जो लॉट आप देख रहे हैं ये उसके बाद हमने इस लॉट को लगाया था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि धनिये की जो आवश्यकता है हमारे किचन में लगभग साल भर रहती है। हर रेसिपी में धनिये का प्रयोग किया जाता है और ये हमारी जो रेसिपी होती है इसका जो स्वाद है ये दोगुना कर देता है। तो इसी तरह से हम अपनी छत पर एक लॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ग्रो करते रहते हैं और ये पूरी तरह से जैविक हम ग्रो करते हैं। ये देखिए इसके कलर आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ लाल कुछ हरा, भले ही दिखाई दे लेकिन ये पौष्टिक है और ये इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। ये हमने लगभग एक डेढ़ महीना पहले इसको ग्रो किया था और अभी ये चलता रहेगा लगभग एक महीना और, इसके बाद हम तैयारी कर लेंगे कि अब लगने के बाद एक महीने के बाद में कौन सा हमारा जो लॉट आएगा उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो हरा धनिया है उसको उगा सकते हैं। धनिये को जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब नॉर्मली अगर कोई लीफी वेजिटेबल्स आप ग्रो करेंगे उसकी अपेक्षा 5-7 दिन इसको ज़्यादा लगते हैं जर्मिनेट होने में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं कि हमारा जो धनिया है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। उसमें सबसे मुख्य बात जो है वो कि हम जो बीज का चुनाव करते हैं वो एकदम अच्छा होना चाहिए। बीज की क्वालिटी पर ही निर्भर करता है जर्मिनेशन का पूरा खेल। तो जब भी हम बीज लें तो अच्छी क्वालिटी का बीज लें और मार्केट से जो प्रमाणित किया हुआ बीज है वही ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद जो बोने का जो स्टाइल है उसमें 2-3 तरह से हम बो सकते हैं इसको। सबसे पहले तो धनिये का बीज आप लेकर उसको हाथ से हथेली से मसल लीजिए, मतलब एक धनिये के बीज के 2 टुकड़े हो जाए आसानी से। उस तरह से भी बो सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा धनिया भी बो सकते हैं, वो भी उग जाएगा। तो ये 2 चीज़ के बाद फिर हम मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो और इसमें थोड़ा सा मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए तो इसको जर्मिनेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नॉर्मली अगर हम वैसे धनिया के अलावा कोई और कोई वेजिटेबल्स बोते हैं तो वो जल्दी उग जाती है, इसमें थोड़ा 15-20 दिन का समय लगता है पूरा अच्छी तरह से जर्मिनेट होने में। और आप देखिए हमारा जो अभी धनिया है वो कितने अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गया है। इसके पीछे हमारे जो ये मैंने 2-3 बात आपको बताई है अभी वही सारी है कि आप एक तो बीज अच्छा लें, दूसरा जो मिट्टी है वो अच्छी बनाएं, मिट्टी में मतलब पोरस हो, थोड़ी हल्की हो, उसमें मिट्टी बनाते समय गार्डन सोइल और साथ में गाय के गोबर की खाद मिला लें। आप देख भी रहे होंगे मैंने मिलाई हुई है, तो इसको हल्का सा रखिए, और ज़्यादा अगर नहीं है तो इसमें ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो थोड़ा सा इसमें आप रेत भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी और इसको आप जब बोएं तो ज़्यादा गहराई में ना बोएं, हल्की गहराई में बोएं और उसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी आप छिड़क दें। अब जैसे चूँकि सर्दियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो इसलिए हमने ये आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक का एक कट्टा लिया हुआ है, इसको ऊपर से ढक देते हैं ताकि जो ज़्यादा अभी
पाला पड़ता है उसके ऊपर ना आए। तो ये सारी जानकारी थी आपको, हमने दिखाया कि किस तरह से जो हरा धनिया है वो हमारा अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गया है और अब ये इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। बस थोड़ा सा सावधानी यही रखनी है कि जैसे अभी ओस पड़ती है तो इस तरह का कोई भी कपड़ा या कुछ भी आप जब तक ढक के रखें इस पर, जब तक ये थोड़ी ग्रोथ ना ले लें। तो ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।